307 वगैरह कई प्रकरणों में बंद है लगभग। झगड़े का कारण सुन रहा हूँ, नहीं वो थॉन ड्यूटी से झगड़े का तो कोई कारण ही नहीं। नहीं, यदि बंदी ने हमला किया है तो कोई कारण अंदर बुला। पता लगा है राजेश हेड कांस्टेबल ड्यूटी पे थे और जो बताया गया है अब तक पूरी बात सामने नहीं आई है, क्योंकि जो है हेड कांस्टेबल भी अभी स्थिति उनकी ठीक नहीं है। जब वो ठीक होंगे उससे उनसे पूछा जाएगा और जांच हम करेंगे। श्रवण सोनी और फरजंद उर्फ गांजा, इन दो बंदियों ने मिलकर और इस पे हेड कांस्टेबल जो है ऑन ड्यूटी हेड कांस्टेबल थे वहीं पे उन पे हमला किया। मैम कौन कैदी हैं, किस मामले में बंद थे? श्रवण सोनी है एक तो, और एक फरदीन उर्फ गांजा है। दोनों ही 307 वगैरह कई प्रकरणों में बंद है लगभग। झगड़े का कारण सुन रहा हूँ, क्या झगड़े का कारण? नहीं वो तो ऑन ड्यूटी से झगड़े का तो कोई कारण ही नहीं। नहीं, यदि बंदी ने हमला किया है तो कोई कारण? अंदर बुला के और जितना हम राजेश से बात कर पाए उससे इतना सा ही पता लगा है कि अंदर बुलाया था उन्होंने कोई टीवी खराब होने और बंद करने के बहाने। तो ये ऑन ड्यूटी थे, उस समय सेल्स में थे दोनों बंदी, अलग अलग सेल में थे। उन्होंने दोनों ने मिलकर इनको सेल्स के अंदर जो है वो करके और फिर हमला किया। बंदी कितने दिनों से है? रमन जो है वो कुछ दिनों पहले ही जयपुर जेल से ट्रांसफ़र होके आए हैं और उससे पहले भी लगभग 4 महीने पहले भी 2 साल से यहीं थे। और फरदीन जो है वो उदयपुर में कोई जेल में बदमाशी करी थी, उसके बाद वो प्रतापगढ़ में उन्होंने बंदियों को पे हमला किया था और उससे 2 साल से वो भी अजमेर जेल में ही पकड़ा। जिस तरह से दोनों बंदी लगातार हमला कर रहे हैं और जिस तरह से जेल में व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, तो क्या इनको कोई दूसरी बड़ी जेल या कहीं एकांत में नहीं रखा जाना चाहिए? नहीं, इसके लिए हमने प्रपोज कर रखा है, दोनों बंदियों के लिए हमने प्रपोजल ऑलरेडी भेज चुके हैं पहले ही। और बंदी को बताया जा रहा है कोई गंभीर बीमारी भी है जिससे संक्रमण फैलने की संभावना है, तो क्या उसे अलग से नहीं किया जाएगा? बिल्कुल सेपरेट एक ही सेल में, एक सेल में एक ही बंदी था। जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है जेल के अंदर उसके अंदर ये बंदी बंद थे दोनों, और जो राजेश जो है वो वहाँ पे ड्यूटी इंचार्ज की ड्यूटी पे। क्या स्थिति है जेल में, क्या कितने बंदी लगे हुए हैं, जो कितने बंदियों पे एक प्रहरी लगा हुआ है, क्या ये क्या? बात तो अब मेरे ख्याल से एक बार हम पहले उसको देख लें, राजेश को संभाल लें, उसके बाद यदि आप बात करें। किस तरीके से लेते हैं, पुलिस पर ही जेल के अंदर हमला हो रहा है और हथियार उन तक कैसे पहुंच रहे हैं, ब्लेड वगैरह थोड़ा? यार देखिए, ये एक अत्यंत गंभीर घटना है कि जेल के अंदर दो कैदी श्रवण सैनी और फरदीन द्वारा हमारे हेड कांस्टेबल राजेश के पर कातिलाना हमला किया गया है। लेकिन जहां तक हथियारों की बात है और प्राथमिक दृष्टि से सुब्रेंड साहब से बात हुई है मेरी, उसमें उन्होंने जो वहाँ कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले सरियों को ही हथियार बनाया, ऐसा कोई हथियार नहीं है जो बाहर से आया हो, और उसकी भी जांच की जाएगी और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। क्या स्थिति है कांस्टेबल? अभी हेड कांस्टेबल ठीक है, लेकिन उस पर हमला बड़ा गंभीरतम